गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो तुम सब? सो ऑफिशियली आज ये मेरा पहला ब्लॉग है, और सही बताऊँ तो ब्लॉगिंग का काफ़ी दिन से मन था। अभी क्या है कि ब्लॉगिंग तो स्टार्ट करेंगे, बट ये सिर्फ डेली ब्लॉग तक लिमिट नहीं होगा, इसको काफ़ी आगे तक ले जाएंगे हम। और आज का प्लान ये है कि अपन ऑफिस का काम करेंगे, साथ में कुछ और भी काम होगा वो तुमको पता चली जाएगा जब होगा तो, ठीक है। नोएडा में और लाइक पूरे NCR में लाइक ठंड तो है, बट ये जो देख रहे हो ना फॉग सा, फॉग नहीं स्मॉग है ये। और इस पॉल्यूशन में ब्लॉगिंग कैसे होगी मैं ये सोच रहा हूँ, बट कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेट्स सी, आज का प्लान डिसाइडेड है। और एक और चीज़ है, मेरा गिव अवे इंस्टाग्राम का जो कि आने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। वो गिव अवे 4th से स्टार्ट हो जाएगा, बट हम उस पर बात करेंगे एक बार। सारे रूल्स ड्राफ्टेड है, मैं उसको इंस्टाग्राम पे डाल ही दूंगा। उसके बाद वीडियो में भी अपना बात कर लेंगे, उसको मैं बता दूंगा कैसे क्या है। अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तो उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। कुछ करने से पहले अपन सबसे पहले क्लासिक की राइड करके आते हैं। मैं जा रहा हूँ जीजू को ड्रॉप करने, ठीक है, फिर वहाँ से निकल के फिर घर आएंगे, फिर आगे का काम करते हैं, ठीक है। तो फाइनली अपन आ गए वापस। मैं जीजू को छोड़ने गया था उनकी ही क्लासिक 350 से। मेरे पास क्लासिक नहीं है, मेरे पास स्प्लेंडर है। और एक चीज़ होती है कि जब आप बाइक से आते हो ना कहीं से, फिर लगता है कि एक्शन कैमरे की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। तो इसीलिए मेरे को एक्शन कैमरा लेना था। आई डोंट नो कि कब ले पाऊँगा, अभी तो ऐसा कुछ सीन नहीं चल रहा, बजट वगैरह का डाउन चल रहा है, बजट डाउन है अपना, बट एक्शन कैमरा जल्दी लेंगे और बढ़िया से मोटो व्लॉगिंग करेंगे। बट हाँ, एक्सपेक्टेशन सेम रखना कि मैं स्प्लेंडर पे करूँगा, रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 पे नहीं, ठीक है। बट मज़ा आएगा यार, स्प्लेंडर गाड़ी बढ़िया है, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है स्प्लेंडर पे, ठीक है। भाई 4 बज गए हैं, मैंने अभी टाइम देखा 4 बज चुके हैं। और हुआ क्या कि मैंने अभी तक मतलब नहा भी नहीं पाया। मैं सुबह से ऑफिस का काम कर रहा था, पानी गर्म कर रहा है, नहाएंगे देखते हैं थोड़ी देर में, अभी और भी काम है, पोस्ट करना है। 4 बजे पोस्ट करने का टाइम होता है इंस्टाग्राम पे, तुम सबको पता होगा, ये सिस्टम में बैठ कर काम करने के लिए ही है, ठीक है। काफ़ी देर से मैं सिस्टम में बैठा हुआ था और सिस्टम में बैठे काम, एक्चुअल में यहाँ पे मेरे को अपना ऑडियो म्यूट करना पड़ा है, बिकॉज बैकग्राउंड में मेरे दोस्त ने एक सॉन्ग प्ले कर दिया था और मैंने वीडियो जब अपलोड किया तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑडियो म्यूट कर रखा है, तो सॉरी। अब जो है कि 4 बज चुके हैं, ठीक है, अब मैं नहाऊँगा, ठीक है। और जो गिव अवे था उसके बारे में बात करेंगे, और गिव अवे के बारे में प्रॉपर डिस्कस करके तुम लोग को बता दूंगा कैसे क्या है। बाकी स्टोरी में तो मतलब स्टोरी तो चलो बात की बात है, जो पोस्ट जाएगा 7:30 बजे के आसपास पोस्ट जाएगा मेरा इंस्टाग्राम पे, उस पर तुम लोग को पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है कैसे है, ठीक है। बाकी थोड़ा तो मैं डिस्कस कर दूंगा वीडियो में, ताकि तुम लोग को अगर मेरे को जैसे लग रहा है कि कुछ पॉइंट्स जो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, वो वैसे मेरे हिसाब से सबको समझ में आ ही जाएगा, ऑलमोस्ट सबने एक ना एक बार गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रही होगा। तो चलो खैर देखते हैं, एक बार डिस्कस करता हूँ, आता हूँ नहा के फिर, चलो ठीक है। भाई कहाँ गया? मच्छर मार रहे हैं। तो था भाई साहब, ये देखिए भाग रहा है आम को, चैन से ये भी कह रहा है, ये गया 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 गया, ये भी गया भाई गया। तो गिव अवे का सीन ऐसा है कि आज आज 4th से मैं गिव अवे रखने वाला हूँ, ये मच्छर भी मार रहा हूँ साथ में, है ना। बस पता नहीं कहाँ से मच्छर घुस गया यार, मैं जान है यार, जीने दे यार, जीने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा, जीने दे भाई। तो गिव अवे जो है कि जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक तो गिव अवे का मतलब जो है कि इंस्टाग्राम पे मैं डाल चुका हूँगा, बट कुछ चीज़ों के बारे में बात करनी है। गिव अवे क्यों रख रहा हूँ मैं, सीधी सी बात है भाई, तुम लोगों ने कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करा है मेरे को, 30K से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए मेरे अब, ठीक है, इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 34K हम पहुंच गए हैं, ठीक है, हाँ 34K पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि यार तुम लोगों ने इतना सपोर्ट करा है तो सोचा था कि गिव अवे रखना जरूरी है, ठीक है। बहुत बड़ा गिव अवे नहीं है ये, गिव अवे केवल इंडियंस के लिए, अभी मतलब इंडियंस के लिए भी नहीं, पीपल रिजाइडिंग इन इंडिया है, ठीक है, तो जो लोग अभी इंडिया में हैं उनके लिए ही है गिव अवे, ठीक है। और गिव अवे के कुछ रूल्स से ड्राफ्ट किए हुए थे मैंने नहीं, मेरे दोस्त ने ड्राफ्ट करके दिया था मेरे को, ठीक है। अब वो मैंने सामने सिस्टम में खोल रखा है यार, मैं काम भी कर रहा हूँ, देखना चाहते हो दिखा रहा तुम लोग को, ठीक है, ये अपना काम चल रहा है अभी,
तो अभी मैं इधर से देख के सारा रूल बता रहा हूँ तुम लोगों को। और ये भाई साहब तो अब गिव अवे का सीन चल रहा है, तो मैं बता दूँ गिव अवे 4th of December से स्टार्ट होगा। टाइमिंग तुमको स्टोरी में या मेरा जो पोस्ट होगा उसमें तुमको टाइमिंग मिल जाएगा कि क्या टाइमिंग है, गिव अवे कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तीन विनर्स होंगे, सीधी सी बात है, तीन विनर्स होंगे। फर्स्ट विनर को जो होगा दो बुक मिलेगा, सेकेंड थर्ड विनर को सिंगल सिंगल बुक मिलेगा। बुक के ऑप्शंस होंगे पांच, उस पांच में से तुम्हें चूज करना होगा, जो बुक तुम चूज करोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स का ऐसा कुछ सीन है नहीं, रूल्स का सीन यही है क्या, देखो तुम फॉलो अन फॉलो मत करना, फॉलो करना हो तो करना, नहीं करना हो तो मत करना, ये फॉलो अन फॉलो वाला सीन मत करना। बाकी अब आता है कि क्या करना है, लाइक एंड सेव द पोस्ट, जो पोस्ट है उसको लाइक करो सेव करो और फिर उस पोस्ट को शेयर करो अपने स्टोरी में। ठीक है, 24 आवर्स के लिए एटलीस्ट, 24 आवर्स के लिए तो करो यार। ठीक है, और उसमें एक 5 लाइनर लिखना है तुमको कि वाई यू लव पेपर बैक बुक्स, पेपर बैक वाले जो बुक्स होते हैं ना उनको तुम पसंद क्यों करते हो। ठीक है, 5 लाइन लिखना, वैसे उसका ये ऐसी मतलब है यार, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अब अगर तुम्हारा प्राइवेट पेज है तो तुम क्या लाइक मेक श्योर कि तुम मतलब स्क्रीनशॉट लेके मेरे को शेयर करो, ठीक है, अपनी स्टोरी का। ठीक है, बाकी अब आता है पार्टिसिपेशन का जो रूल है, मतलब मेन जो पार्टिसिपेट करने का तरीका है, अपने फ्रेंड्स को तुम जो गिवअवे में इंटरेस्टेड है जो भी है उनको कमेंट में मेंशन करो। ठीक है, टैग करो, कमेंट में मेंशन करो। ठीक है, और एक मेंशन एक एंट्री, तो अनलिमिटेड एंट्री कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड एंट्री है, जितना मन करे उतना एंट्री करो, नॉट अ बिग डील। अब जो है कि हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम किसी को टैग करते हो ना यार, तो मतलब ये नहीं कि कोई सेलिब्रिटी है या कोई लाइक डेड पेज है, कोई फेक है, इनएक्टिव अकाउंट है, उनको टैग मत करो। रैंडम विनर जनरेटर से मैं विनर्स सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब आ गई सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले बोली थी, दोबारा बोलो, ओनली इंडियन रेजिडेंस के लिए है ये। ठीक है, जो लोग इंडिया में रहते हैं उनके लिए ही है अभी गिव अवे। लाइक नेक्स्ट गिव अवे थोड़ा सा होगा, ग्लोबल होगा, बड़ा होगा, अभी ये पहला गिव अवे था, मैंने सोचा थोड़ा सा एक बार पहले करके देखते हैं कैसे जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगला गिव अवे करेंगे। ठीक है, अब ये गिव अवे किसी भी तरीके से इंस्टाग्राम में किसी भी ब्रांड से एफिलिएटेड नहीं है, तो लाइक खुद का ही अपना खुद से कर रहे हैं, बस मेरी फ्रेंड ने मेरे को हेल्प करा है रूल्स वगैरह ड्राफ्ट करने में, शायद विनर वगैरह चूज करने में, अगर उसे मन करेगा तो वो हेल्प करेगी। बाकी उस पर देखते हैं, बाकी तुम लोग पार्टिसिपेट करो। तो भाई चाय जिंदगी का हिस्सा है, तो चाय पीना जरूरी है, 2-3 कप तो अपन रोज ऐसे ही पीते ही है, तो दूध लेना जरूरी है। अरे यार एक टोन दे दियो, 1 लीटर, आधा लीटर, हाँ 1 लीटर ही दे दे, 1 लीटर ही दे दे। अब अपन चलते हैं घर, भाई चाय बनाते हैं, पीते हैं और भाई फिर सो जाएंगे। सोएंगे नहीं मतलब काम थोड़ा सा यार, अभी क्या सीन क्या है ना काम का, कि एक काम में फंसा रह गया आज में थोड़ा सा, तो अभी कुछ काम बाकी है ख़त्म करेंगे। मेरा ऑफिस थोड़ा ऐसे ही चलता है, हम लोग लेट से स्टार्ट करते हैं, लेट तक काम करते हैं, और वर्क फ्रॉम होम चला है तो लोग होंगे ऐसे घर पर मजे लेके काम करते हैं, बट काम कम्प्लीट करना होता है ऑब्वियसली। ठीक है चलो चाय वाय पियेंगे फिर थोड़ा सा, वो कहते हैं ना जहर है भाई एकदम, क्या कौन सा वो डायलॉग है भाई, क्या जहर चीज है भाई ऐसे, हाँ वही डायलॉग मतलब बढ़िया एकदम वैसे, चाय चाय का मतलब समझ रहे हो ना, ठंडी का मौसम है।